الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن شقاوته ترك استخارته ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له أو كما قال عليه الصلاة والسلام ایک مشہور محدث ہیں ملا علی قاری رحمہ اللہ، ان کی مشہور کتاب ہے المرقات، بیسیوں کتابیں حدیث پہ لکھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک تربیت یافتہ مسلمان کی صفات ذکر کی ہیں، کہ ایک مسلمان بچے کو، ایک مسلمان نوجوان کو، مرد اور عورت کو چار باتوں کی تربیت لینی چاہیے، یہ چار باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو محفوظ اور اپنے آپ کو خوش دیکھے گا۔ وہ چار باتیں کیا ہیں؟ شکر، صبر، استخارہ، استعاذہ۔ شکر ادا کرنے کے لیے بچے کی زبان پہ، شکر کے اظہار میں بچے کی زبان پہ دو دعائیں ہونی چاہیے، نعمت ملے تو نعمت لیتے وقت بسم اللہ پڑھے، اور جب نعمت حاصل ہو جائے، نعمت کے شروع میں بسم اللہ، نعمت کے اختتام پہ الحمدللہ۔ یہ شکر کا اظہار ہے۔ شکر کیوں؟ ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کیوں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے مال ہوتا ہے اسی کے مطابق چیز بنتی ہے،
किसी चीज के बनाने में अगर माल डाला है खराब तो वो चीज खराब बनेगी। मवाद और मटेरियल के मुताबिक चीज बनती है। आला मेयार का माल इस्तेमाल हुआ है तो आला मेयार की चीज वजूद में आएगी। हम सब यहां मौजूद हैं, मैं और आप, हमारी तखलीक में जो चीज इस्तेमाल हुई है, जो माँ जो चीज इस्तेमाल हुई है वो है नुतफा, एक कतरा जिसको मनी कहते हैं। अपनी जात में जैसे पाखाना गंदा, पेशाब गंदा, मनी का ये कतरा भी गंदा। ये अगर किसी चीज पे पड़े तो वो चीज गंदी हो जाए और उससे बदबू आने लगे। बगैर हमारी किसी कोशिश के महज अल्लाह के फजल से, महज अल्लाह के फजल से मां के पेट में इस नुतफे से अल्लाह ने जाहिरी एतबार से हमें और बातिनी एतबार से हमें कामिल मुकम्मल बनाया। ये महज अल्लाह का फजल है। अगर किसी उज़्ज़ू का नुक्स रह जाता पेट में तो वो नुक्स न डॉक्टर खत्म कर सकते थे, न आज की साइंस और टेक्नोलॉजी उस नुक्स को खत्म कर सकती थी। ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा उज़्ज़ू जाहिरी एतबार से बातिनी एतबार से अल्लाह ने अगर हमें कामिल मुकम्मल बनाया है तो ये महज उसका फसल है। जिस दर्जे का अल्लाह ने दिमाग दिया, जो अल्लाह ने तवानाई और ताकत दी, अल्लाह ने ये जो पूरा एक निजाम जो हर इंसान लेके फिर रहा होता है, एक कारखाना लेके फिर रहा होता है, ये उसी का दिया हुआ है। ये जो कुछ हम हैं उसके फजल से। हम देखते हैं मैन होल है, एक मैन होल का ढकना खुला हुआ है या उसके अंदर हल्का सा सुराख है, कैसी गंदी बदबू उठती है। पेट की सूरत में हर इंसान अपने साथ एक मैन होल लिया हुआ लेके फिर रहा होता है। ऊपर से ये दो सुराख खुले हुए नाक की सूरत में, मुंह की सूरत में। हक तो ये कि अंदर का गंद जब हम बात करें, जब हम सांस लें, तो जैसे मैन होल के ढकने से या सुराख से जैसे बदबू उठती है तो हर इंसान से भी बदबू उठनी चाहिए। लेकिन नहीं, कि नहीं, एक ही कुर्सी पे हम गौर करें। ये आंखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, ये जबान है बोलने के लिए, ये पैर है चलने के लिए, ये हाथ है पकड़ने के लिए। बाकी मखलूकात से हम अपना तकाबुल करें, हर एतबार से हम अपने आप को ऊपर पाते हैं। लिहाजा उस अल्लाह का हक है, उस अल्लाह का हक है, उस अल्लाह का हक है कि हमें कोई भी नेमत मिले तो शुरू में हम उसकी इब्तिदा उसके नाम से करें। आराम के लिए एक बच्चा सो रहा है, एक नौजवान सो रहा है, कोई भी सो रहा है, तो सोते वक्त क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाह, या अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इब्तिदा, ये नींद नेमत है, ये थका हुआ जिस्म
इसे आराम चाहिए नींद की सूरत में। नींद मेरे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह ये नेमत तू ही दे दे। इस नेमत की शुरुआत में करने जा रहा हूं, तेरे नाम से करने जा रहा हूं। नींद से उठे नेमत के आगाज पे बिस्मिल्लाह, नेमत के इख्तिताम पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। पूरी दुआ नहीं आती तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाथरूम जा रहे, बाथरूम जाते वक्त अभी बाथरूम में दाखिल नहीं, पढ़ लिया बिस्मिल्लाह, फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबसि वल खबाइस। पूरी दुआ नहीं आती, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ ले। बाथरूम से फारिग हुए, बाहर निकले तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी अल-अज़ा व आफ़ानी। पूरी दुआ नहीं आती, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। आए खाने पे या पानी पी रहे हैं, इब्तिदा किससे की बिस्मिल्लाह। पानी पी लिया, खाना खा लिया तो दुआ पढ़ ली, मुंह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना, ये पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े पहन रहा हूं मैं, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, या कोई भी दुआ याद। तो इब्तिदा बिस्मिल्लाह से, इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह पर। क्यों? इसलिए कि जो कुछ मुझे मिल रहा है ये मेरा कमाल नहीं, ये उस अल्लाह का कमाल है, ये उस अल्लाह का फजल है। अपनी हर नेमत, हर मिलने वाली नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ करना, ये शुक्र है। शुक्र सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक अक्सर काम हमारी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि न चाहते हुए कोई नापसंदीदा वाकया रूनुमा हो जाता है, रूनुमा हो। गाड़ी चला रहे, एक्सीडेंट हो गया, जा रहे थे पैर फिसल गया, घर गए देखा बेटा बीमार है, कोई कारोबार कर रहे थे नुकसान हुआ। महीने में या साल में कोई परेशानी आ गई, छोटी या बड़ी, तो इस गंदे और उस जिस्म जो गंदगी पे मुश्तमिल है, जिसे जो कोई चीज छुए तो गंदा हो जाए, कपड़ा गंदा हो जाए, खाना जाए तो वो गंदा हो जाए। हक तो ये कि हमारा इस दिमाग से, इस जिस्म से हर होने वाला काम हमारी मर्जी के खिलाफ ही हो, लेकिन हर काम अगर मर्जी के मुताबिक हो रहा है, एक काम मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या जबान से उस अल्लाह की नाशुक्री की जाए, अल्लाह से शिकवा शिकायत की जाए, अल्लाह से नाराजगी की जाए कि अल्लाह ये मुसीबत मुझ पे क्यों? नहीं, कोई मुसीबत आई मुंह से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ए अल्लाह मैं गुलाम हूं, तू मेरा मालिक है, मैं कहीं भी निकल जाऊं, कुछ भी हो जाए, अल्लाह मैंने वापस तेरे पास ही आना है। आका को हक होता है कि अपने गुलाम के साथ कुछ भी करे,
अल्लाह तूने जो किया या जो हुआ इसका सबब मैं हूं, मैं बनाऊ, लेकिन फैसला मेरे गलत अमल की वजह से फैसला तेरी तरफ से आया है। ए अल्लाह मैं दिल से इस फैसले पे राजी हूं। दिल से बंदा राजी हुआ अल्लाह से, दिल से अल्लाह किस्मत पे राजी, और राजी रहने का इजहार दुआ की सूरत में कर रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। गम और तकलीफ में जो दिल से राजी हो अल्लाह से, जबान पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो, अल्लाह ऐसे शख्स को उस रहमत का, उस फजल का, उस रहमत का अल्लाह हकदार बना देता है जिस खास तरीन रहमत का के मुस्तहिक अंबिया होते हैं, जिस खास तरीन रहमत के मुस्तहिक, जो खास तरीन रहमत अंबिया पे होती है अल्लाह की, किसी और पे नहीं होती। इस मुश्किल तरीन लम्हे में इसने अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की, न दिल से न जबान से। तो अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, जब कोई मुसीबत आई, कालू, तो जबान से बोला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम। सलावात ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से सलावात है। और आप पढ़ते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सहाबा के साथ भी नहीं लगाते, सुलहा और उलमा के साथ भी नहीं लगाते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हम अंबिया के साथ लगाते, क्योंकि अल्लाह की वो रहमत है जो अंबिया के ही शायान शाह है। लेकिन इस खास तरीन मुश्किल तरीन मौके पे अल्लाह ने वो एजाज इस इंसान के अता कर दिया जो अल्लाह से इस मुश्किल मरहले में भी अपने अल्लाह से राजी रहा। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ज़बान से है, दिल से राजी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन सआदति इब्ने आदम रिज़ाहु बिमा क़ज़ल्लाहु लहू। खुशकिस्मत इंसान वो है जो अपनी किस्मत पे, अल्लाह के फैसले पे हर हाल में राजी रहे। वो मिन शकावती इब्ने आदम, और बदबख्त इंसान वो है कि जब कोई काम मर्जी के खिलाफ हुआ तो फौरन अल्लाह से शिकायत शुरू कर दी। ये शख्स अल्लाह की नजर में और हकीकत में ये शख्स बदबख्त है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसी तरह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह मैं हूं क्या, मुझ में ताकत ही नहीं है, मैं कोई काम करूं और मेरा अमल मुझे मेरी मर्जी का नतीजा दे, रिजल्ट दे, मैं क्या, मेरी मेहनत क्या, मुझे जो मिलता है अल्लाह तेरी वजह से मिलता है, तेरे फजल से मिलता है। मैं कोई परेशानी, कोई बुराई अपने से दूर करूं, मैं क्या, मेरी मेहनत क्या, ए अल्लाह बुराई भी दूर होती है, कोई परेशानी भी दूर होती है तो ये अल्लाह सिर्फ तेरे फजल से दूर होती है, मेरे इल्म, मेरी अकल, मेरी सलाहियत, मेरी ताकत, मेरे वसाइल से बिल्कुल नहीं। ये है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब जो शुक्र करने वाला मुसलमान होगा, सब्र करने वाला मुसलमान होगा, वो कोई काम भी करेगा तो अकल पे तो उसको एतमाद ही नहीं, इल्म और सलाहियत पे उसको एतमाद ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि जो कुछ मैं, जो कुछ हूं अल्लाह के फजल से हूं, जो मैं चल रहा हूं अल्लाह के फजल से चल रहा हूं, जो मुझे मिल रहा है अल्लाह के फजल से मिल रहा है,
अब कोई भी काम ये करेगा तो अल्लाह के हवाले अपने आप को, उस काम को अल्लाह के हवाले करके करेगा, और अल्लाह के हवाले करके जो काम होता है जिसको तफवीज वाली जिंदगी कहते हैं, तजवीज वाली नहीं, तफवीज वाली, अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह डाल दे दिल में, इसको इस्तिखारा कहते हैं, इसको इस्तिखारा। फला काम करना है, फला कारोबार करना है, फला अमल करना है, फला करना है, फला करना है, मशवरा भी हो, अकल से सोचे भी, लेकिन एक जरूरी काम एक मुसलमान क्या करता है, इस्तिखारा करता है। लंबा इस्तिखारा भी करता होता है, मुख्तसर इस्तिखारा भी होता है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तर, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तर, अल्लाह मेरे लिए पसंद कर ले, अल्लाह मेरे लिए चुन ले, मैं कमजोर हूं, अल्लाह तू ताकतवर है, अल्लाह तू ही कर दे मेरे, ये इस्तिखारा। तो हर काम अल्लाह के हवाले कर, कोई भी काम हो, कोई हो जी करना, अभी फैसला मैं नहीं कर सकता, मुझे एक घंटा दें या एक दिन दें या एक हफ्ता दें, मैं इस्तिखारा करके बताऊं। इस्तिखारा निकालना नहीं है, कोई सुन्नत नहीं है, इस्तिखारा करना, लंबा इस्तिखारा, दो रकात इस्तिखारे की नमाज पढ़ के फिर अल्लाह से मांगे इस्तिखारे की दुआ पढ़ के, मुख्तसर हो, अभी अर्जेंट हो तो अल्लाहुम्मा खिरली वख्तर। ये इस्तिखारे जो निकाल के करते हैं उन्हें पता होता है फिर अंजाम क्या होता। और आखिरी इस्तेआज़ा, इस्तेआज़ा का मतलब हर, हम लोगों को आज एक वबा में, एक दुनिया में, ये पूरी दुनिया मुब्तला है इस वक्त, दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, हिफाजत, हिफाजत असल है, हाजत असल नहीं है। हम जब हाथ उठाते हैं तो अल्लाह से अपनी जरूरतें मांगते हैं, हालांकि असल है कि अल्लाह से हिफाजत मांगे। इसलिए एक जुमला हमारे, एक दुआ हर बच्चे की जबान पे होनी चाहिए, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतान। और हिफाजत के लिए हर मुश्किल, हर परेशानी, हर वबा से हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने हमें दो अजीम तरीन दुआएं दी हैं, और वो दुआएं हैं आखिरी सूरतें, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक, जो रोशनी को खोलता है, जो रोशनी को दिन को रात से, रात को दिन से निकालता है, उस अल्लाह की हिफाजत में, उस अल्लाह की हिफाजत में, या अल्लाह, उस अल्लाह की हिफाजत लेता हूं, उस अल्लाह की हिफाजत में आता हूं हर उस शर से जो शर अल्लाह ने पैदा किया है। कितनी बड़ी दुआ हो गई, और फिर आगे पूरी दुआ है, फिर आगे कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, इसी तरह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसी तरह जो दुआएं जिनके शुरू में औज़ु बिल्लाह आता है, जैसे औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक, ये दुआएं हो, इनका एहतमाम हो। तो चार बातों की तरबियत हम अपने घर के बच्चों को भी दें, ख्वातीन को भी दें, नौजवानों को भी दें, और खुद भी इसकी आदत बनाएं, आदत बनाएं कि मैंने शुक्रगुजार बनना है, मुसीबत में मैंने सब्र करने वाला बनना है। कैसे बनना है, तरबियत लेनी, हर काम इस्तिखारे के साथ करना है, अल्लाह से हर वक्त मैंने हिफाजत मांगनी, हिफाजत की दुआ मैंने करते रहना है मुस्तकिल, हिफाजत वाली दुआओं का मैंने मामूल रखना है। ये चार बातें, क्या इन चार बातों को अपनाना क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आसान। और ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, तरबियत ले लें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजान होगी, अजान के बाद सुनो।